जाता है। और कोशिश तो सब कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि अभी दुनिया में, आपने अमेरिका में देखा ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पे कितने बड़े फसादात हुए और कितना लोगों के साथ इस्तेसाल किया गया। एक पुलिस वाले ने जब किसी के साथ ब्लैक के साथ ज्यादती की गई तो आप देख लें कि सोसाइटी से रिएक्शन भी कितना बड़ा आया। तो ये चीजें जो हैं हमारे मुल्क में भी बदकिस्मती से और दुनिया में भी, जब जॉब दी जाती है तो लोगों से इम्तियाजी सलूक किया जाता है, लड़के और लड़की के बारे में हो या ट्रांसजेंडर के बारे में हो या किसी देही और अर्बन के हवाले से हो या किसी अपने नेपोटिज्म आपने देखा है जान पहचान वालों के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर कोई नस्ली या बुनियाद पर या कोई जो है अपने ग्रोह की बुनियाद पर कहता है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती है या आप इस इलाके में कारोबार नहीं कर सकते हैं, तो इसके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, आप अपने वहाँ पे इंसानी हकूक के कमीशन को दरख्वास्त दें कि मेरे साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन सलूक किया गया है और दूसरे जो कैंडिडेट को जिसको प्रीफर किया गया है उसके मुतालिक आप शवाहिद भी दें कि वो काबिलियत में मेरे से कम था या उसने काबिलियत साबित करने में मेरे से कम था, जिन वजूहात की बिना पर मेरे से इम्तियाजी सलूक किया गया। हमारे पास अक्सर डिसेबल लोगों के केस और ट्रांसजेंडर के आते हैं कि उनके साथ अगर बैंक वाले इम्तियाजी सलूक करते हैं या पुलिस वाले करते हैं तो फिर हम